अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रजब का महीना है और इस महीने में 27 रजब की लोग रोज़ा रखते हैं, तो मैंने 27 रजब का मैंने रोज़ा रखा और ये रोज़ा नफिल रोज़ा होता है, नफिल रोज़ा है और इसके बहुत फजलियत हैं। जो लोग 27 रजब की रोज़ा रखते हैं उसे 1000 रोज़े का सवाब मिलता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ तो हो गए हैं, हम लोगों ने घर के सारे काम भी कर लिए हैं, सारा काम हो गया है। अब सिर्फ एक काम बचा, इफ्तार की तैयारी करने हैं। दोस्तों हम छत पे जा रहे हैं कपड़े लाने के लिए। ऐसे तो सीढ़ी पे चढ़ने में काफ़ी मुश्किल होती है, पैर में दर्द कर जाता है, ऐसे सीढ़ी पे चढ़ ही के जाना चाहिए चलकर। और दोस्तों देखिए कपड़े सूख गए हैं, वॉशिंग मशीन पहले मैंने धो के डाल दिए थे और ड्राई कर ही के कि जल्दी सूख जाए। अब सारे कपड़े को हम हटा लेते हैं और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इतने सारे मैंने प्लांट रहे हैं। अभी ये डालिया का प्लांट है और ये अच्छी तरह से अभी खिला नहीं, और ये जो दो प्लांट देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग पेंसिल को पिल करते थे सेम वैसे ही लग रहे, कितने प्यारे लग रहे। तो अब हम चलते हैं नीचे, मैं नीचे जा रही हूँ, जो काम है अब देखते क्या करना है। ये दोस्तों हमने भाईजान को फ़ोन करके बोले थे कि फ्रूट्स लाने के लिए, माशाल्लाह उन्होंने फ्रूट लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे फल भी क्या है, संतरे हैं, अनार है, सेब है, पपीता है। सारे फल को पैकेट से निकाल के हम उसको एक बर्तन में रख देते हैं, पैकेट में रहेगा तो ख़राब हो गया। अब चलते हैं और इफ्तार की जा रहे हैं तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे समोसे का आलू है जो बॉयल करके रखा हुआ है, समोसे के आलू का स्टफिंग रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए उसके लिए मसाले हैं, साल्ट, ब्लैक पेपर, चिकन मसाला और हल्दी पाउडर डाली है, रेड चिली फ्लेक्स डाली हैं, रख देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें पंचफोरन डाल के थोड़ा क्रैकल्स कर लेंगी। अब यहाँ पे कुछ मसाले पानी में डाल के जैसे डालेंगी डायरेक्ट देंगी तो वो जल जाएगा। तो ये समोसे के लिए स्टफिंग के लिए सब कुछ ही रेडी कर रही हूँ, तो मैं चलती हूँ दाल को ग्राइंड कर लेते हैं। पूरा एंड तक हम दिखा नहीं सकते क्योंकि इतना मेरे पास टाइम है नहीं। तो यहाँ पे मसूर दाल के पकौड़े हम बनाएंगे, तो दाल को भिगो के मैंने रख दिया है, चलते इसको ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे दाल मैंने ग्राइंड कर लिया है, अब इसमें मैंने प्याज और धनी पत्ती जो काट के रखे थे अब इसमें मिक्स कर देंगे। इस सब को इकट्ठा करके मैं रख देती हूँ। सारा था मैंने प्याज धनी पत्ती वो चीज़ डाल दी। अब इसमें मैंने कलौंजी डाल दिए हैं, ब्लैक पेपर, साल्ट डालेंगे। अब इन सब को एक जगह पे हम रख देते हैं, ये तलने वाला काम होगा वो मेरी आप ही कर लेती हैं। तो यहाँ पर देखिए तलने के लिए आप ही मैं रख देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ फ्रूट कटिंग करने के लिए। हम यहाँ पे पपाया को कटिंग कर रहे हैं क्योंकि काटने में बनता नहीं है और ये बहुत ही बड़ा साइज का आप देख सकते हैं, इसे पिल करने में काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है। अब वैसे इफ्तार में तो और भी टाइम का पता ही नहीं चलता है, क्या क्या जल्दी हाथ लगे कि हम काम करें कुछ समझ में नहीं आता है। मैं जल्दी जल्दी सिलने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे हाथ स्लिप किए जा रहे हैं। और वैसे भी इफ्तार में तो फ्रूट होना बहुत ही ज़रूरी नहीं रहता, तो लगता ही नहीं अच्छा। तो स्पेशली हम कुछ फल हो या ना हो सिर्फ पपीता भी मंगवा लेते हैं, वाटर मिलन मंगवा लेते हैं। तो जल्दी से इनसे कट कर लेते हैं, अब देखते हैं। इससे ज़्यादा फल आदमी को खाना ही भी चाहिए क्योंकि सारे सामान तेल के तले हुए रहते हैं, और पपीता और कोई भी फल हो पर खाना ही चाहिए क्योंकि सब कुछ मेंटेन कर देता है पेट के लिए, तो और भी बहुत ही बेनिफिट है। अब इसे जल्दी से हम वॉश कर लेते हैं, वॉश करके मैंने रखा। अब इसे छोटे छोटे पीस में मैंने काट लूँगी क्योंकि अकेले काम करने वाले को तो और भी मुश्किल होता है। हम लोग 2-3 लोग कर रहे तो फिर भी जितना भी काम कर लेते हैं पर टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता है। ऑलमोस्ट मैंने पपीते को काट लिए, आप देख सकते हैं, और जितने और सभी फल थे एप्पल अनार ये सब नहीं काटेंगे क्योंकि एप्पल काटेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ इसको संतरे को छील लेते हैं। तो संतरे को छील कर इसके पीछे पीस अलग कर लेते हैं। सारे संतरे को अलग अलग मैंने पीस में रख दिए हैं। अब इसके बाद जाकर देखते हैं किचन में फ्राई सारे तलने वाली चीज़ हो गई कि नहीं, और वो हो जाएगा तो हम 10 लगाम पर अब अफ्तार लगाएंगे। यहाँ पे सारे इफ्तार मैं लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स सारे इफ्तार को मैंने 10 खान पे लगा दिए। अब अजान का वक्त होने वाला है, अजान से पहले हम लोग को थोड़ा देर के लिए आगे इफ्तार के पास बैठ के थोड़ा दुआ करना होता है। तो यहाँ पे बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, खुश रखे, फैमिली है, फ्रेंड है, रिश्तेदार है, तमाम जितने लोग हैं और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं अल्लाह ताला सबकी जायज़ मुराद पूरी करें। और प्लीज़ आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखें।
दोस्तों हम सभी ने इफ्तार कर लिया है, सारा काम हो गया है। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठकर अब चाय पियेंगे। शाम के बाद, इफ्तार के बाद तो सभी लोग चाय पीते हैं। और मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।